अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है, नून लीगी ही नून लीगी हुकूमत के ऊपर बरस पड़े। ये जो अनसर्टिनिटी है, इससे जो जन्म लेता इकोनॉमिक टर्मोइल है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीएमएलएन के अंदर अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि जो मईशत है वो किसके डॉक्ट्राइन के तहत चलानी है। क्या वो मिफ्ता इस्माइल साहब चलाएंगे या इसहाक डार साहब वापस आने के लिए परतोल रहे। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी, उसके बाद कुदरत के गुस्से को मत ललकारे। ये जो सैलाब आया है, इससे बचा जा सकता था, जो तबाहकारी थी इसको कम किया जा सकता था। ये इंसानों की तरफ से जो कोताहियां, उसकी वजह से इस लेवल पे ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हुई है। प्रोग्राम के दूसरे से हम जायजा लेंगे इस बात का कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिन पे अगर पहले काम कर लिया जाता तो यहां पर इतनी बड़ी तबाही की नौबत ना आती। आखिर में एआरवाई की बंदिश का 18वां रोज है, अभी भी आप एआरवाई अपने केबल के ऊपर नहीं देख पा रहे। सिंध हाईकोर्ट का वाजे हुक्म मौजूद है, लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में ये गानगद की जरूरत है, सैलाब जैसी जो तबाहकारी है, इसमें हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन फैलाने की और लोगों में आगाही पैदा करने की जरूरत है, उस दौरान इस मुल्क का एक बड़ा नेटवर्क अगर उसको जबरदस्ती जबरी तौर पे बंद कर दिया जाए तो इसमें कहीं भी किसी तरीके से भी कोई कौम की खिदमत नहीं हो रही है। स्पेशली जब यहां पर बहुत बड़ी बड़ी टेलीथॉन्स होती हों और मुल्क में बेहतरी के लिए आगे बढ़ा जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता हो। लेकिन बहरहाल हम आगाज करते हैं। IMF जो हमारी मुल्की मईशत के ऊपर जिस तरह से ये नैरेटिव हावी हो रहा है कि IMF की डील मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी वजह से बहुत सेंसिटिविटीज भी हैं इस वक्त। अगर हम हुकूमत की जानिब देखें तो शहबाज साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई सियासत हो रही है IMF की डील के ऊपर, और एक पार्टी वो सियासत कर रही है, और क्लियरली ही मीन्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर सियासत कर रही है। जरा देखिए, IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए कल के बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है, और ऐसी सियासत जिससे कि पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की सियासत कभी नहीं देखी कि आप पाकिस्तान के जो आला तरीन मफादात हैं उनको कुर्बान करके अपने जाती मफाद को आप ऊपर ले जाएं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि शहबाज साहब ने स्टेटमेंट क्यों दी। कुछ दिन पहले, इनफैक्ट दो दिन पहले, फवाद चौधरी साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ये कह दें कि भाई हम शरायत को नहीं मानते तो फिर हमें IMF की डील लेकर दिखा दें। बड़ा कैटेगोरिकली फवाद साहब ने ये बात कही थी, जिससे ये इंप्रेशन जा रहा था। वो एग्जैक्टली कहा क्या है, जरा ये देखिए। IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दें कि हम इस डील में साथ नहीं है आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेकर दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और आप पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा, देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमजा शहबाज साहब ने जो बजट पेश किया था वो ऑलरेडी कोई सरप्लस बजट नहीं था, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पंजाब ऑलरेडी IMF की इस शर्त को नजरअंदाज कर चुका है। सिंध की तरफ से भी जो IMF की शर्त थी सरप्लस बजट की, उसको पूरा नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल चूंकि मईशत के ऊपर बड़ी जबरदस्त सियासत भी हो रही है इस वक्त, कल एक लेटर मंजर आम पे आया, ये था जी तैमूर झगड़ा साहब का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और इस लेटर में उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब यानी वफाकी वजीर कोई खत लिखा कि भाई सरप्लस बजट जो है इस साल नहीं दे सकता है खैबर पख्तूनख्वा, और ये लेटर की कॉपी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सो बहरहाल उसके बाद एक शोर मच गया, हर तरफ कहा जा रहा था कि ये जानबूझ के IMF की डील को सैबोटाज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। इससे पहले फवाद चौधरी साहब चूंकि ये बयान दे चुके हैं, इसलिए ये क्लियर कट कोशिश कर रहे हैं कि जो मंडे को इजलास होना है उसके अंदर IMF से वो डील ना मिले। बहरहाल तैमूर झगड़ा साहब ने बाद में ट्वीट भी की, इन्होंने कहा कि इससे पहले मैं कई बार ये मामला उठा चुका हूं, बार बार मिफ्ता इस्माइल साहब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन उसके बावजूद वहां से मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। अभी लेटर मंजर आम पे आया कैसे है, क्या तहरीक इंसाफ कि कहीं किधर से ये लीक हुआ या PMLN की तरफ से जानबूझ के मीडिया को लीक किया गया। एक तो इतनी सियासत होती है इस इशू के ऊपर कि वो क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ इतना गडमड जानबूझ के भी कर दिया जाता है कि मालूम नहीं होता। लेकिन बहरहाल असद उमर साहब ने फिर इसके ऊपर वजाहत दी, उन्होंने कहा कि ये जो लेटर है ये मीडिया पे मौजूद है और ये किसी ने IMF को खत नहीं लिखा है, ये एक हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को लिखा है। तो जी इस वक्त जहां पे मुल्क को इतने सीरियस इशूज हैं, इतने ज्यादा अंदरूनी और बैरूनी
नहीं मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल यह है कि विफाक और सूबे एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमिटीज के अंदर एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अगर आईएमएफ की डील होनी है, एक सूबाई वजीर आपसे कुछ कहना चाह रहा है तो उसकी चीजों को, उसके जो खदशात को एड्रेस करना जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी इस खत की टाइमिंग अगर फवाद चौधरी साहब के उस बयान के साथ मिला के पढ़े तो फिर ये शक पैदा होता है। हुकूमत कहती है कि भाई ये जानबूझ के किया जा रहा है। शौकत तरीन साहब साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद है, ये बहुत सारे सवाल हम उनके सामने रखेंगे। तरीन साहब सबसे पहले तो पहले थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्या अगर हमें हमारी रहनुमाई बताएं कीजिए कि क्या अगर सूबे इंडिविजुअली कुछ शराइत मानने से इनकार कर दे तो जो विफाक के साथ डील हो रही होती है आईएमएफ की क्या वो डायरेक्टली उस सेबोटाज होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, या ये विफाक का उस इदारे के साथ ताल्लुक है, सूबों के बयान देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है? नहीं देखिए जी, सूबों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया हुआ है कि हम ये 750 अरब रुपया जो है वो हम सरप्लस रखेंगे, जिसमें 432 या 434 बिलियन जो है वो उसका पंजाब का है, इसी तरीके से कोई तकरीबन 100 बिलियन है, उससे थोड़ा कम जो है केपी है, सिंध है, फिर बलूचिस्तान है। तो ये उस वो अंडरस्टैंडिंग जो है, जो लेटर ऑफ इंटेंट जो है उसके साथ जो इन्होंने भेजा है वो भेजा है। तो इसका मतलब है आज सूबे जो है वो इसके वफाक के साथ मिल के उन्होंने MOU भेजा है। ठीक है, अब जो ये सारी कंट्रोवर्सी वो यही है कि जिस वक्त ये साइन किया, पहले तो ये है जब सबने बजट बनाए तो पता ये चला कि सारों को वो जो चारों सूबों के बजट अगर सरप्लस ऐड करें तो वो कुछ 75 से 85 बिलियन बचता था, 750 बिलियन कहीं कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सूबों ने ये MOU साइन किया कि हम कोशिश करके ये सरप्लस क्रिएट करेंगे। लेकिन KPK ने यह भी कहा कि मेरे आपने ये चीजें देनी है, जिसके बीच में उनका फाटा के कोई एक्सपेंसेस थे जो वफाक नहीं दे रहा था, सेहत कार्ड के जो कई एक्सपेंसेस थे जो नहीं दे रहा था, वो कुछ तकरीबन 100 बिलियन थे। उन्होंने कहा जी ये तो आप मेरे साथ बैठ के इसके ऊपर जो हमारा इख्तलाफ है उसको तय करें। तो वही असद उमर साहब कह रहे थे कि 2 महीने गुजर गए ये उनके टेलीफोन का जवाब ही नहीं दे रहे थे। अब बात आई कि जी ये टाइमिंग जो है कि इस वक्त जो करना और वो जो IMF की, तो मैं इनको जरा थोड़ा याद दिला। देखिए जी, बात सिर्फ ये है कि इस वक्त इस तरह लगता है कि PTI जो है वो मुल्क दुश्मन है और ये सारे मुल्क के सज्जन है। मैं इनको जरा याद दिलाना चाहता हूं, जनवरी के बीच में मैं जब IMF का प्रोग्राम कर रहा था, 6th रिव्यू था, और उसके बीच में हमारे ये स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस भी थी और बाकी चीजें थी, इन्होंने धुआंधार ये तकरीरें करते थे नेशनल असेंबली में और सेनेट में, और इन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो अप्रूव ना हो, और इन्होंने फिर ये बयानात दिए कि हम जब आएंगे, अगर हम आए तो हम ये कैंसिल कर देंगे IMF प्रोग्राम। और ये जितने भी आज लीडरान हैं, जो अब मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने कहा $1 बिलियन की खातिर ये हमारी सॉवरेनिटी को बेच रहे हैं, ये कह रहे थे ये। तो आज क्या हुआ, आज अगर हमने ये बात कर ली, और ये हमने नहीं कहा कि हम IMF प्रोग्राम आपका नहीं होने दे रहे, हमने IMF का जिक्र ही नहीं किया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि आपने हमारे से वादा किए थे, वो आप बैठ के हमारे से बात करें। और एक और एलिमेंट आ गया अभी और वेरिएबल है फ्लड्स का, और ये फ्लड्स भी जितना नुकसान हुआ है उतना हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सर आपने पहले भी कहा कि ये रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा, लेकिन दो सवाल है ना, एक तो ये कि इससे पहले फवाद साहब की एक स्टेटमेंट थी, वो क्लियरली कह रहे हैं फिर आप डील लेकर दिखा दे, ए दूसरा टाइमिंग, जब आपको क्लियरली पता है कि मंडे को ये होना है बैठकर, तो उससे 2 दिन पहले अगर ये खत मंजर आम पे आएगा, मुझे नहीं मालूम अभी PMLN ने खुद लीक किया है ये कहां से मंजर आम पे लेटर आया, वट एवर, बट आप इसको जरा कॉम्प्लिकेट ना करें ना, अब मरी आप इसको अपना कॉम्प्लिकेट ना करें। तो इन्होंने जो कहा था कि हम बेसिकली ये जो सेनेट में पास हो रहा है ये IMF को मालूम होना चाहिए कि जैसे ही हम आए हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या था, वो सैपोटाज नहीं था, वो बिल्कुल सीधा सीधा IMF को एक मैसेज था कि हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हम आएंगे इसको हम रिवर्स कर देंगे। हमने तो ये कहा ही नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि देखें इस वक्त हम इस जगह इसमें मत पड़ें और ये ब्लेम गेम ना करें। और मैं प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ पाकिस्तान के वो जो हैं वो नहीं है, मतलब उसके मफाद नहीं देखते, हम भी लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के बीच में, मैंने तो इस मुल्क में 47 साल खिदमत की है, हम भी हैं,
तो मुझे जब इन्होंने ये जब कहा था और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एक बिलियन की खातिर हम अपनी सॉवरेनिटी बेच रहे हैं, उन्होंने कहा था उस वक्त, तो उनको कहें इस तरह जरा इतनी हद को ना पार करें। मैं उनको जो कहूंगा, मैं उनको पॉजिटिव तरीके से बात करूंगा कि इस वक्त एक फ्लड की सिचुएशन आ चुकी है और ये प्रोविंसेस जो हैं ये सरप्लसेस नहीं दे सकेंगे। हम इस वक्त जाएं, जो हमने कोविड में किया था कि हम गए थे आईएमएफ के पास, हमारा प्रोग्राम था और हमने कहा था देखें अब हमें एक स्पेशल डिस्पेंसेशन की जरूरत है, हम एडजस्टर्स दें हमें, ये जो आप फिस्कल डेफिसिट आपने हमारे लिए टारगेट्स दिए हैं उसके हमें एडजस्टर्स दें। तो हमने दो सालों में कुछ तकरीबन, एक साल में मुझे मालूम है पिछले साल में कुछ तकरीबन 350-400 बिलियन का हमने एडजस्टर दिया था, उससे पहले पिछले साल में कुछ 550-500 बिलियन का एडजस्टर था, तकरीबन 800-900 बिलियन का एडजस्टर हमने लिया था। ये अभी जब उनके पास जाएं और उनको कहें कि ये आपके सामने है सिचुएशन, ये इतने फ्लड्स पहले कभी भी नहीं आए, तो हम कमिटेड हैं आपके जो भी हम टारगेट्स हैं लेकिन हमें एडजस्टर्स चाहिए होंगे। दिस इज ऑल वी आर सेइंग। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि अब जो एडजस्टमेंट होगी और जो सारी निगोसिएशन होनी है, क्या ये पीर वाले इजलास के अंदर होगी या फिर उसके बाद के बाद ये अगले लेवल की निगोसिएशन है, या जो पीर को बैठेंगे ये जो लेटर ऑफ इंटेंट्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं वो तो वैसे ही वैसे फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, किस स्टेप पे रीनिगोशिएट होगा अगर मैं इसको बहुत सिंपल सवाल पूछूं तो? देखिए जी, अभी अगर ये अभी इस झगड़े में ना पड़े रहते और सोते ना रहते, ये फ्लड्स तो काफी दिनों से है ना, दे शुड हैव गॉन बैक, अभी बात करते इनसे, लेकिन अभी तो ये मेरे ख्याल में वक्त गुजर गया है। अभी जब 29 को वो पास कर लेंगे उसके बाद ये जाके एडजस्टर उनसे ले सकते हैं, डिस्पेंसेशन ले सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो सूबों ने आपको लेटर लिख कर दिया है इसकी बेसिस पे, बजाय इसके कि आप आपस में लड़ें और एक दूसरे के साथ उलझें, इसके बेसिस पे आगे जाके आप दिखाएं जी कि हमारे सूबे हमें ये कह रहे हैं और इस बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ रीनिगोशिएट करें। अब यही तो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है सर, कि आप मीडिया के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपको इतना नहीं वक्त है कि आप फोन उठाएं एक दूसरे से गुफ्तगू करें, इतना मुल्क में सैलाब आया हुआ है, मीडिया पे खबर ब्रेक है, फिर वो फोन कर रहे हैं एक दूसरे को और बातचीत कर रहे हैं, एक इतनी कलामिटी के मौके पे, सच ए डिवाइडेड हाउस। देखें आप मरिया बात सुने, ये कौन है इस घर का जो है सरबराह कौन है? फेडरल गवर्नमेंट। और ये प्रोग्राम किसका है? फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अगर दो महीने जवाब ही नहीं देती प्रोविंस को, तो ये किसकी गलती है? ये क्या प्रोविंसेस की गलती है? तो ये जो आपने पहले बात की कि हम ये कर सकते हैं, ये प्रोग्राम जो है अप्रूव हो जाए 29 को, उसके बाद जो है ये इनवाइट करें उनको, अपना आईएमएफ को कहें आए असेसमेंट करें यहाँ, और एक क्रेडिबल असेसमेंट होनी चाहिए कि नुकसान कितने हुए हैं यू नो सूबों के, और वो जो है वो इन्होंने जो डाला हुआ है सरप्लस उसमें से वो निकाल दें एज एडजस्टर। एक और बात भी, क्योंकि इस वक्त क्लैरिटी भी नहीं है कि फॉरेन ये जो माशी पॉलिसी है, मिफ्ता साहब ने बाहर तो खैर जो भी और पॉलिटिकल और जो भी बाकी लोगों को सेटिस्फाई करना है, लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदर कन्विंस नहीं कर पा रहे लोगों को। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, ये पॉलिसी चला कौन रहा है? क्या ये इस्लामाबाद में बैठ के चल रही है या ये लंदन से सारी बातें आ रही है? क्योंकि एक अंदर टसल भी है, मिफ्ता साहब कुछ करते हैं तो उधर से डार साहब उधर से मियां साहब को कहते हैं कि जी ये इस तरह नहीं होना चाहिए, तो इस खींचा तानी में हु इज रनिंग द पॉलिसी राइट नाउ, आपका क्या असेसमेंट है? अरे हम तो पहले से कह रहे हैं कि 13 जो पार्टीज का जो एक किस्म से जो अभी एक हुकूमत बनी हुई है, इसके बीच में जो आपकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल होती है, और उसके भी उसके चलें वो भी हो जाती है, लेकिन अगर वो किसी एक पार्टी को साइन कर दें कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है और ये डिसीजन लेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत स्टेडी हैंड चाहिए होता है इकोनॉमी का, बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में इकोनॉमिक जो है वो अनसर्टेनिटी और वो जो है अपना जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ जाते हैं, तो उसमें एक आदमी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ही डिसीजन नहीं ले सक रहा, और उसमें एक कोई कुछ लोग लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टीज के यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग इनके अंदर ही और लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह इनका जो पाशा है तो वो आयशा पाशा, वो भी बड़ी स्ट्रांग एक किस्म से ओपिनियन रखती हैं,
तो ये डिवाइडेड हाउस जरूर है और इस वक्त जो मिफ्ता को सपोर्ट चाहिए सबकी और वो ले नहीं सक रहे और उसी वजह से कंफ्यूजन जो है मार्केट में आती है जब तो मार्केट नर्वस हो जाती है। सो ये जो कंफ्यूजन है क्या आपको लगता है जानबूझ के क्रिएट की जा रही है? क्योंकि मिफ्ता साहब कहते हैं जी हमने तो जो फैसले किए हैं उस पर शहबाज साहब के साइन से किए हैं ना, तो ये जो बीच में बाद में उठ के कह देते हैं कि बिजली के कीमतें कम करें तो पेट्रोल की कीमतें कम करें, ये तो एक सियासत हो रही है ना, तो क्या आपको लगता है ये जेन्युइन कंफ्यूजन है या जानबूझ के भी एक डायवर्जन के तौर पर क्रिएट की जा रही है सियासी उसके लिए? नहीं जी, सियासी तो नहीं हो सकती ना ये, देखें ये तो अपने इनके लिए ही वो एक किस्म से नेगेटिविटी है ना कि जब लोग कहते हैं कि या कभी एक दिन ये एक डिसीजन लेते हैं दूसरे दिन उसको रिवर्स कर देते हैं, तो वो इनकी क्रेडिबिलिटी के लिए तो अच्छी चीज नहीं ना वो। तो ये तो ये जानबूझ के तो कर ही नहीं सकते इस चीज को। ये जरूरी है कि इनको अपना होमवर्क करके डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए ना, होमवर्क करके पॉलिसी जो है वो जो डिसीजन देने चाहिए ताकि उसके बैक ट्रैकिंग ना हो। तो वो जो है वो कंफ्यूजन का हिस्सा नहीं है, वो एक किस्म से इनकोऑर्डिनेशन जो है और मिसकोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं ये वो है। और वो इसलिए है कि तीन चार जो है वो इस वक्त जो है पावर पॉइंट्स हैं और वो पावर जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे वो अपना चाहते हैं कि हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो वो देखा जाए, दूसरे कहते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए। इसमें यह अभी देख लेना आपके गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर कितना टाइम लगा है, क्यों लगा है? बिकॉज डिफरेंट लोगों के डिफरेंट घोड़े थे और वो फिर फाइनली फिर एक घोड़ा जीत गया। तो ये जो चीजें हैं ना वो होता है, इसीलिए होता है कि जब आपके पास 13 पार्टीज होंगी तो ये कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। ये कहते हैं जी कि मुख्तलिफ जो मुश्किल फैसले थे ना वो तो हम करते जा रहे हैं, उसकी हम सियासी कीमत भी देते जा रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर हारे, अभी अगले जो 9 इलेक्शंस होने हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो वहां पे थोड़ा सा गुस्सा आबिद शेर अली साहब का इस बात पे भी है ना कि वहां पे भी लोग बिल उनके उनके घरों पर छोड़ के जा रहे हैं और लिटरली उनके मुंह पे मार के जा रहे हैं, उनका खुद का कहना ही है। बट कहते हैं कि 3-4 महीने हमने मुश्किल फैसले कर लिए, अब इसके बाद हम थोड़ी सी फिस्कल स्पेस क्रिएट करके अब रिलीफ देंगे। क्या अभी जहां पर इस मुल्क में हम खड़े हैं और अभी ऊपर से सैलाब भी आ गया है, इस पर आपने रीनिगोशिएट भी कर रहा है IMF के साथ, ये क्या आपको लगता है कि कहीं रिलीफ का कोई छोटा सा भी कहीं स्पेस अब बची है इस हुकूमत के पास देने के लिए, जो ये वादे कर रहे हैं कि हम करेंगे 2-3 महीने बाद देंगे रिलीफ? रिलीफ ने क्या देनी है यार, अभी तो ये और हमारे ऊपर मुश्किलें तारी करेंगे। अभी तो इन्होंने जो है वो जो 855 बिलियन रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगानी है हमारे पर, इन्होंने 17% का सेल्स टैक्स लगाना है। आप देखेंगे 10.5% जो है वो इस साल अभी इस महीने में पहली तारीख को सेल्स टैक्स लग जाएगा आपकी, 20 रुपए तो कम से कम फी लीटर पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाएंगी। उसके बाद पहला अभी 3 फेजेस पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बेस रेट्स बढ़ाने थे, वो अभी एक बढ़ा है जुलाई में, 1 सितंबर और फिर मेरे ख्याल में नवंबर में 3, और वो तो अभी बढ़ने हैं चीजें, ये कौन सी रिलीफ की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर आप जिस तरह आप कह रही हैं कि ये फ्लड्स की वजह से महंगाई और बढ़ेगी, अभी 45% पे तो पहुंच गई है, और जो मेरी गुफ्तगू हुई है लोगों से जो कि इन अदाद और शुमार को ये मतलब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि अगली दफा आप देखेंगे कि ये 50% से ऊपर जाएगी। और पता नहीं किसी के, क्योंकि इस वक्त देखें जी आपकी फूड प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी आप जो 44 रुपए का जो हम छोड़ के गए थे प्याज भी किलो, वो 175 रुपए पे है, और अभी तो वो जो मिल ही नहीं रहे वो तो मेरे ख्याल में 200 से भी ऊपर चले, टमाटर का भी यही, आलू का भी यही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये और ही मतलब एक प्रेशर डालेंगी लोगों पे, ये रिलीफ की क्या बात कर रहे हैं? और सैलाब तो सब कुछ बहाकर भी ले गया, चावल बहाकर ले गया, सारी फसलें बहाकर ले गया, वो एक और फूड सिक्योरिटी जो आगे बोरान है उसका वो सामने खड़ा है। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो ये नून लीग अपनी ही जमात के खिलाफ बयान देती है। पहले हम समझते थे गुड कॉप बैड कॉप है, लेकिन अब कहीं कहीं नजर आ रहा है कि जो बीच में डिवाइड है PMLN की, जहां पे मरियम और नवाज शरीफ का कैंप वर्सेज हम शहबाज शरीफ का कैंप, बहुत खुल के वाजे तौर पर सामने आ गया। ब्रेक की बस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। एक तो सैलाब ने पूरे मुल्क के अंदर तबाहकारी मचाई हुई है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका सबसे बड़ा चैलेंज उनकी मुआशी पॉलिसी है, जिसके बारे में कंफ्यूजन खुद PMLN के अंदर एक दूसरे पे जो बयानबाजी और इल्जाम लगाकर ये पार्टी
इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर आ रही है। ये मामला शुरू हुआ है आबिद शेर अली साहब ने जब एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन है, हम समझते हैं फैसलाबाद के अंदर जो लोग हैं वो बिजली के बिलों से परेशान है, लेकिन इतना पब्लिकली आके अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ इतनी सख्त जबान आबिद शेर अली साहब ने इस्तेमाल की, जरा देखिए। गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर यार, मोटर चलाए तो 200 यूनिट तो ऐसे खर्च हो जाते हैं, 205 यूनिट आपके इस्तेमाल होते नहीं, बिल आसमान पे चला जाता है, 20,000 रुपया। एक रक्षा चलाने वाला, एक रेडी बान, एक छापड़ी फरोश, वो अपना बिल दे रहा है 20-25 हजार का, हमारे घर में बैठे हैं। ये IMF का एजेंडा तरक करके हमें अवाम दोस्त पॉलिसीज को बनाना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल साहब, जरा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब अवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह, लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग खुदकुशियां कैसे कर रहे हैं। खुदारा, ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। इस दफा बिल तो इतने वाकई ज्यादा आए हैं कि हर किसी के कड़ाके निकल गए हैं। आबिद शेर अली साहब का जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये समझ में आती है, लेकिन जवाबी तौर पे मुफ्ती साहब ने कहा कि मेरे हर फैसले को जो है इंडोर्स किया है उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, और उनको मालूम है और पूरी पार्टी को मालूम है कि हमें फैसले क्यों कर रहे हैं। क्या कहा मुफ्ती साहब ने, देखिए। कौन सा मेरा ऐसा फैसला है जो शहबाज शरीफ ओन नहीं करते? ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वजीर खजाना बनू हूं तो मियां साहब की राय इसमें शामिल ना हो। शहबाज शरीफ साहब की और मियां साहब की दोनों की राय से बनाऊंगा वजीर खजाना। मुझे तो वजीर शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ दिनों से पहले उन्होंने मुझे कह दिया था, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस था, कि तुम तैयारी कर लो। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मेरी और डार साहब की जो गवर्निंग फिलोसफी है, मईशत की फिलोसफी डिफरेंट है। बात यही नहीं रुकी, आबिद शेर अली साहब ने कहा कि IMF के पास जाएं मुफ्ती इस्माइल साहब और दोबारा रीनिगोशिएट करें ताकि ये जो कीमतें हम इसको नीचे लेकर आ सकें। हमारा मैच तो बिजली के बिलों से शुरू हो गया है, इमरान नियाजी से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, ना पहले था। हमारा इस वक्त जो मुकाबला है वो महंगाई के साथ है, वो बेरोजगारी के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ वजीर आजम साहब से भी, अपनी पार्टी से भी, खुदारा ये पॉलिसियां तर्क करके अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाए। जो भी इमरान नियाजी ने शरायत नामा दस्तखत किया है IMF के साथ, तो आप उसको रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं। माजी में इसहाक डार साहब ने रीनिगोशिएट किया, माजी में मरियम नवाज साहिबा भी ट्विटर के ऊपर जो तमाम फैसले हैं जिसमें कीमतें बढ़ानी होती हैं उनसे अपने आप को और नवाज शरीफ साहब को लाताल्लुक करार दे चुकी हैं। तलाल चौधरी साहब अगेन मरियम नवाज साहिबा के कैंप में है, बड़ी ही क्लियर बात है। उन्होंने वजीर आजम साहब को मुखातिब किया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब किया कि लोग उनकी वजीरों की पॉलिसी से खुश नहीं है। 200 यूनिट तक रिलीफ ना काफी है, आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास 200, 300, 400, 500 यूनिट आम आदमी घर के चलते हैं। ये लोगों की उम्मीदें जो हैं ये नून लीग मियां नवाज शरीफ से हैं। आज वो एहतजाज गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है जो नवाज शरीफ ने आज से 15 दिन पहले किया। मेरी गुजारिश है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से के लोग कुछ वुजरा पर सेटिस्फाई नहीं है, वो खुद मामलात को देखें दोबारा। कुछ वुजरा मीन्स जाहिर सी बात है मुफ्ती इस्माइल साहब की बात हो रही है। यूसुफ नजर साहब जो हमारे पास सीनियर इकोनॉमिस्ट मौजूद है, माहिर माशी उमूर, बहुत शुक्रिया सर। एक तो क्या ये गुड कॉप बैड कॉप है, क्या ये बाय डिजाइन है कि एक साइड जो आकर है वो अवामी बात करे, दूसरी साइड आके वो जो जिसे कहते हैं ना कि पत्थर दिल किस्म के फैसले वो करे, या ये वाकई लग रहा है कि ये कन्फ्यूजन का शिकार है? क्योंकि ये कन्फ्यूजन ट्रांसलेट होती है फिर बाकी तमाम और चीजों में, जो इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, स्टॉक मार्केट भी आ जाती है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं सर, ये बाय डिजाइन है या ये वाकई PMLN कंफ्यूज्ड है? मेरे ख्याल से ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और इसकी जो बुनियादी वजह मुझे नजर आती है वो इसहाक डार साहब है। और यकीनन इसहाक डार साहब का मियां नवाज शरीफ पे काफी असर है, तो फिर वो जो बातें जो हैं मरियम नवाज साहिबा ने भी कही। लेकिन एक बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो बहुत बुनियादी है, और वो ये है कि इसहाक डार साहब जिस जमाने की बात करते हैं उस वक्त ऑयल प्राइसेस बहुत कम थी। ऑयल प्राइसेस जो थी 2013 के बाद 2014 और 15 तक उनमें जो ड्रॉप हुआ था वो 50% हुआ था। तो मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूंगा कि इसमें इसहाक डार साहब को कोई कमाल नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था इतना बड़ा नहीं था, उस वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी थी उस पर भी इतना प्रेशर नहीं पड़ा था। तो एक बात तो ये समझने की है,
और उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई 2018 में, उसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इसहाक डार साहब पे है। ये एक तवील बहस है जो एनर्जी का सिलसिला है और उस पर क्या हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात जो है काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसको मुझसे ज्यादा जो है बड़े इकोनॉमिस्ट जो है इसको इस पर तफसील से लिख चुके हैं। तो ये एक तरफ, दूसरी तरफ ये जो क्रिटिसिज्म जो हो रहा है इस पे मुझे लगता है कि इसकी जो इंस्पिरेशन है वो इसहाक डार साहब की तरफ से आ रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है, अफसोस से कहना पड़ता है, उनको जिस लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। देखिए, ऑफ एंड ऑन कमेंट्स कर देने से कुछ नहीं होता, या तो वो लंदन से पाकिस्तान आ जाएं और मुल्क की और अपनी जमात की क़यादत करें ग्राउंड रियलिटीज को देखकर, लेकिन वहां से बैठ के चाहे वो मियां नवाज शरीफ हों या इसहाक डार साहब हों, कमेंट करना कि हम ये कर सकते थे, हमने ऐसा किया था, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है खुद अपनी पार्टी, उनकी पार्टी को हो रहा है और होगा, और तमाशा भी बन रहा है यूसुफ साहब। लेकिन देखिए, ऑब्वियसली अगर हम यही सवाल मैं पूछूं पीएमएलएन से तो वो मुझे इसका एक सियासी जवाब देंगे, पीटीआई से पूछूं तो वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली अपने तरीके से उसका पॉलिटिकल आंसर देंगे, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछती हूं ताकि बिल्कुल क्लियरली हमें आज पता चल जाए। इस वक्त जो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बिजली की हो, वो पेट्रोल की हो, क्या इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है? क्या बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है कि जहां पे ये जो कीमतों का पूरा बोझ अवाम पे ना कन्वर्ट किया जाए, उन पे ना डाला जाए? देखिए, बात दरअसल ये है कि जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा हुआ और रिजर्व की पोजिशन जो गिरी, उसके बाद हमें IMF के पास जाना था, चाहे कोई भी होता, खान साहब होते या जनरल बाजवा होते या कोई और, या मियां शहबाज शरीफ, IMF के पास तो जाना था। दूसरी जो बड़ा फैक्टर है वो ये कि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, सऊदी अरब, चीन और दूसरे ममालिक ने, उन्होंने अपनी इमदाद को IMF के एग्रीमेंट से मशरूत कर दिया। तो हमारे लिए ये नागुजीर हो गया कि हम IMF से जो है वो एग्रीमेंट करें, और ये कहना कि हम IMF से रीनेगोशिएट कर सकते हैं, ये वो लोग ही कह सकते हैं जो इन मामलात को बिल्कुल नहीं समझते। IMF एक बहुत बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पाकिस्तान जैसा एक गरीब मुल्क जो है नेगोशिएट नहीं कर सकता, ये मैं बात कई मर्तबा लिख चुका हूं। लेकिन सर, कोविड के दौरान हुकूमत कहती है खान साहब की, और वो हुआ भी कि कोविड के दौरान बहुत सारे ममालिक ने रीनेगोशिएट किया, अभी जो ये सैलाब की सूरत हाल है। जी माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है, गलत कहते हैं वो। अच्छा। ये IMF ने खुद किया था, ये पेरिस क्लब ने और IMF ने खुद किया था, उन्होंने खुद वॉलंटरली जो थी वो उन्होंने कंसेशन दिया था, डेट रिलीफ दी थी। ठीक है, और तो इसका ताल्लुक किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट से और नहीं। अभी सैलाब के सूरत हाल में, बिकॉज ऑब्वियसली ये अनप्रेसिडेंटेड तबाही है, इसमें रीनेगोशिएशन हो सकती है या ये भी वो खुद इनिशिएट करेंगे तो होगी, हमारी तरफ से नहीं है रूम? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो शदीद प्रेशर का शिकार हैं सारे एनर्जी क्राइसिस की वजह से। कल ही जो IMF की एक टॉप ऑफिशियल हैं गीता गोपीनाथ, जो फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ इसके बारे में सोचना होगा। तो ये बात तो चल तो रही है, लेकिन फिलहाल जो देखिए ना, मंडे को जो IMF का बोर्ड की जो होने वाली है मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान का जो पैकेज जो है, उम्मीद है मुझे अप्रूव हो जाएगा, ये फौरन तो एकदम ऐसे नहीं हो सकते ना कि हमारी अपनी जो भी हमारी विश है वो फौरन जो है पूरी हो जाए। इसलिए कि जो ये सारे जो इदारे हैं और सारी जो बड़ी हुकूमतें जो हैं, ये सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डेट को ये एक मजमूई तौर पे देख रही है, तो वो केस बाय केस बेस पे तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, अगर वो ये समझते हैं, और जिसका मुझे नजर आता है कि इम्कान, इसलिए कि जो बैन अल-अक़वामी माशी सूरत हाल है वो काफी नाजुक है इस वक्त, और खास तौर पे जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं अमेरिका में, उससे और मजीद प्रेशर पड़ गया है। सही। तो ये हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मैं पाकिस्तान में कोई इंडिविजुअल कहे कि मैं ये कर लूंगा, मैं रीनेगोशिएट कर लूंगा, तो ये सरासर गलत फहमी है और इसका मैं समझता हूँ हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब, थोड़े कॉम्प्लेक्स ये माशी मामला थे उसको बड़े सिंपल और वाजे तरीके से बता रहे थे कि आगे पाकिस्तान के लिए अगले 2-3 महीनों के लिए माशी तौर पे सूरत हाल किस तरह की नजर आ रही है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हमारे पास आज होगा एक पैनल एनवायरमेंटलिस्ट का, ये हम सैलाब की तबाहकारियों से इस नहज तक कैसे पहुंचे हैं, इसमें ह्यूमन एरर कितना है, इसमें हुकूमतों की कोताही कितनी है, और इसमें से कौन कौन से इकदाम लेने से हम इतनी मैस लेवल की तबाही से बच सकते थे, और इस पूरे मामले से हमने सबक क्या सीखा, ये ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीली एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जो मौजूदा सैलाब हैं इसके बाद हम सबकी आंखें खुल जानी चाहिए और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग इस सेगमेंट पे जरूर कान धरेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के जो कुरा है उस पर तबाहकुन असरात है, इसके बारे में दुनिया में बहुत पहले से बात हो रही है लेकिन हम कहीं ख्वाबे गफलत में सोए पड़े हैं। अक्वामे मुत्तहिदा ने जो उसका साइंसी जायजा लिया, उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों का मौजूदा रुझान जारी रहा तो सिर्फ एक दहाई में दर्जा हरारत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं। गुज़श्ता 5 सालों के में 1850 के बाद तारीख के ये गर्म तरीन साल थे। मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने के इकदाम नहीं किए गए तो 2040 तक आलमी दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री तक इजाफा हो जाएगा। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से होगा क्या? खुश्क साली, ग्लेशियर के पिघलाव में तेजी और कटाव के साथ समंदरी तेजाबियत के खतरात पैदा हो जाएंगे और रवा सदी के अख्ताम तक सतह समंदर में 2 मीटर तक इजाफा हो जाएगा, जिसके बायस जो साहली पट्टियों पर लाखों की आबादियां हैं यानी वो जो तमाम शहर हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब पाकिस्तान पे इसके क्या असरात है, खुदा के वास्ते जरूर इसके ऊपर आप ध्यान दें। यूएनडीपी के मुताबिक पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में तेजी से ग्लेशियर पिघलने के बायस 3044 झीलें बन चुकी हैं, जिनमें से जो 33 झीलें उन्हें इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। ये झीलें किसी भी वक्त फटकर ग्लॉफ का सबक बन सकती हैं, जिसके बायस गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 3 करोड़ आबादी बराह रास मुतासर हो सकती है। जर्मन वॉच की रिपोर्ट है, वो क्या कहती है, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, लेकिन फिलिपाइन और हेटी के बाद पाकिस्तान इन तब्दीलियों से मुस्तकिल तौर पर सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। जो सैलाब है ये आप देख रहे हैं, जो बारिशें हैं ये देख रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आलमी तंजीम एक्शन एड ने एक रिपोर्ट जारी की है, वो कहते हैं पाकिस्तान में सतह समंदर में इजाफे, पानी की किल्लत, फसलों की पैदावार में कमी, कैद साली के बायस 2020 तक तकरीबन 6,82,000 अफराद मौसमियाती महाजर बन के नकल मकानी कर चुके हैं। हम देख रहे हैं आज भी हमारे मुल्क के अंदर ये लोग हिजरत कर रहे हैं क्योंकि जहां पे वो रहते हैं वो जगह रहने के काबिल नहीं रही। ग्लेशियर्स पिघलने में तेजी के बायस दरियाओं में तुगयानी, गैर मामूली बारिशों और समंदरी तूफानों के बायस पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सैलाब का खदशा है। एक्शन एड रिपोर्ट आपको पहले बता चुकी थी लेकिन हमने नहीं सुनी और आज हम उस सैलाब का सामना कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान में 173 कुदरती आफात रूनमा हुई, जबकि मजीद कहत साली, नकल मकानी, हीट वेव, ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे खतरात का सामना है। यानी अभी भी सुधर जाएं, ये सब मुश्किलात आपके लिए आइंदा फ्यूचर में वेट कर रही हैं, घात लगाए बैठी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो मुआशी नुकसान होने बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के कॉन्टेक्स में। पाकिस्तान की GDP के हर यूनिट पर आप देख रहे हैं 0.52% नुकसान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हो रहा है। जनूबी एशिया का माहौलियाती निजाम तेजी से आलूदगी का शिकार हो रहा है, जिसके बायस इस खित्ते के 80 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर होंगे। 80 करोड़ ये अगर आप इस फिगर को देखें ये इतना ज्यादा है, कई मुल्क और बड़े आजमों की इतनी आबादी नहीं है जितनी खाली ये 80 करोड़ लोग डायरेक्टली इससे अफेक्ट हो रहे हैं। इस खत्ते के रहायशियों को 2030 तक 160 अरब डॉलर के मौशी नुकसानात भी हो सकते हैं। अभी हम IMF से जो लेने जा रहे हैं किस्त वो क्या है जी, 1 अरब डॉलर, जो भी हमने परसों अल्लाह अल्लाह करके हमें मिलने वाली, लेकिन उसके बावजूद 160 अरब डॉलर के मौशी नुकसानात क्यों हो रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस। जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2050 तक 4 करोड़ अफराद नकल मकानी पर मजबूर होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद है मलिक अमीन असलम साहब, साबिक वजीर रह चुके हैं, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो पिछली हुकूमत है उसमें अमूर देखते थे। आफिया सलाम साहिबा एक्सपर्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनकी स्पेशलिटी ये है कि जी माहौलियाती और मौसमियाती उसके नतीजे में जो तब्दीली है उस हवाले से ये मुल्क भर में जो है उसका स्टोरीज करती हैं और उनकी बड़ी गहरी नजर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जिस तरीके से आफिया मैं आपसे आगाज करती हूं कि जिस तरह से हमने दरियाए सवात का मूड देखा है, उसका गुस्सा देखा है, जिस तरीके से सैलाब लोगों को बहाता हुआ आगे ले जाता जा रहा है, ये इन हम लोगों ने और किस तरीके से जो है नेचर को पामाल किया और किस किस तरीके से हमने वायलेट किया नेचर को कि आज उसका इतना सख्त और हार्श रिएक्शन देखने में आ रहा है कि वो किसी का लिहाज ही नहीं कर रहा और पानी सबको बहाता हुआ आगे ले जाता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका मारिया। देखें आपके सवाल में ही आपका जवाब देना है, हमने उसके साथ क्या सलूक किया। असल वजह तो वो है, उसने हमारे साथ कोई सलूक नहीं किया, वो अपने रास्ते पे जा रहा है दरिया। दरिया के रास्ते में अगर हम आके खड़े हो जाएंगे तो फिर अगर हम उससे बह जाएं तो फिर उसमें दरिया का तो कसूर नहीं है। तो सवात में जो कुछ आपको नजर आ रहा है, अगर आप मैं एक दो जगह और भी ये कह चुकी हूँ कि आप उसके ऊपर से डेट हटा दीजिए,
तो आपको लगेगा कि ये 2010 की वीडियोस चल रही हैं। तो ठीक है, वो बिल्डिंग्स नहीं है, 2010 के बाद बनी है, लेकिन बिल्कुल यही कुछ हुआ था 2010 के फ्लड्स में भी, कि जो दरिया का पार्ट है उसको इंक्रोच किया गया, उसके बिल्कुल बीच पे जाके कंस्ट्रक्शन की गई। तो वो देखिए पहाड़ी इलाका है, वहां पे जब दरिया में तोहियानी आती है तो वो बहुत, उसकी ग्रेविटी का फ्लो इतना ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ पानी के तो वैसे ही बहुत ज्यादा वो उसका उसकी शिद्दत होती है उसके तेजी में और उसके फोर्स में, तो उसके सामने तो कोई चीज नहीं ठहर सकती। बड़ी बड़ी चट्टाने वहां से बह जाती हैं, वो बिल्कुल जो जिसको हम कहते हैं कि आपके ग्लेशियर मोरेन्स हैं, उस तरह के भी इतने बड़े बड़े चट्टाने हैं वो आपके नदी नालों के साथ नीचे आते हैं। तो ये इमारतें क्या किसी खातिर में नहीं आ सकती थी? तो हमने तो सीखा नहीं कुछ इतने सालों में, 12 साल हो गए उसमें, ना वहां पे जो अरबाब इख्तियार थे उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि वो इन चीजों को रोकते, और लोगों को तो जहाँ पे प्रॉफिट ईयरिंग का मौका मिलता है वो करते हैं, तो उन्होंने इन 10-12 सालों में तो ठीक ठाक कमाई कर ली होगी। आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत कैलस सी बात लगती है, लेकिन मुझे सिंपथी नहीं है उन लोगों के साथ जिनका ये नुकसान हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि लोग निकल चुके थे वहां से, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस माली नुकसान के लिए तो मैं कतई भी किसी किस्म के इजहार अफसोस नहीं कर सकती। अच्छा, आपने बात तो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट की है मलिक साहब। ये 2010 में मेरे नुमाइंदे बता रहे थे कि ये वो तमाम बिल्डिंग्स हैं जो पहले 2010 में भी गिरी, लोगों ने वो दोबारा बना ली वहां पे कंस्ट्रक्ट कर ली। अच्छा, हुकूमतें क्या बेबस होती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अवाम का हमें मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून को फॉलो करना, वो जहां जहां गुंजाइश मिलती है लोग तो अपना उसमें से फायदा निकालते हैं, जो कि गलत है ऑब्वियसली, लेकिन हुकूमतें क्या कर रही हैं? अगर दरिया के रस्ते में लोगों ने घर बनाए हुए हैं तो इनको इजाजतें कौन देता है? ये इंश्योर किसने करना है कि भाई ये जो तमाम पानी के रस्ते हैं इसके ऊपर एटलीस्ट ह्यूमन जो है कहीं भी हैबिलिटेशन ना हो, लेकिन ये कोई इंश्योर नहीं कर पाता। क्या बेबस है हुकूमत या साथ साथ वो मुलव्वस है इसके अंदर जो इंतजामिया होती? जी बिल्कुल, मारी मैं समझता हूँ कि ये इसमें हुकूमत जो है वो बिल्कुल शामिल ही होती है साथ, क्योंकि ये जो हमें सीन्स देखे गए हैं स्वात के अंदर, ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि वो आप इलीगल इंक्रोचमेंट थी जो दरिया के रास्ते में थी और वहां पर ये नुकसानात हुए हैं ज्यादा। और ये जो मुझे तो बताया गया कि जो होटल हनीमून जो दिखाया जा रहा था, ये एक ऐसे शख्स का था जिसने पहले भी पिछले सैलाब में इसका एक होटल इसी तरह बह गया था, फिर इसने दोबारा वही गलती की। लेकिन ये एक लेसन है सबके लिए कि ये गलती अब नेचर जो है ये बर्दाश्त नहीं कर रही, और पाकिस्तान में तो बड़ा क्लियरली ये शो हुआ है कि जब आप नेचर के रास्ते में आओगे और आप एक वॉर पाथ पे आओगे नेचर के साथ, तो वो जंग नेचर ने जीतनी है, आप नेचर के साथ लड़ नहीं सकते। और बड़ा क्लियरली कल ये शो हुआ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक ऐसा लेसन है जो कि क्लाइमेट चेंज के जरिए पूरी दुनिया सीख रही है ये लेसन कि जब इंसानों ने अपनी हदूद पार की है, अपने रिसोर्सेज को ओवर यूज किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने वो फ्रेमवर्क जो कि अल्लाह ताला ने भी बनाया है कि इंसान अशरफुल मखलूकात तो है लेकिन और मखलूकात भी हैं दुनिया में रहने वाली, अगर हम उनके एरियाज में इंट्रूड करेंगे तो नेचर रिएक्ट करेगी। कोविड का जो है सारा सिलसिला है वो भी इसी वजह से हुआ कि हमने एनिमल्स के एरिया में इंट्रूड किया और कोविड का रिएक्शन था। इसी तरह क्लाइमेट चेंज एक रिएक्शन है कि आपने एक नेचर की स्पेस में इंट्रूड किया है और नेचर उस पर रिएक्ट कर रहा है और बड़ा वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है, और जब नेचर रिएक्ट करता है तो इंसान उसका भी खड़ा नहीं हो सकता। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि सर मेरे इस पूरे सेगमेंट का मतलब ही ये है, क्योंकि एक तो आफिया साहिबा हमारे ठीक है हम सब मजहबी कायद रखते हैं, लेकिन बड़े कन्वीनियंटली मैं देख रही थी कि जो यहाँ पे जिनके इख्तियार में चीजें होती हैं वो कह रहे हैं जी आपके अमाल का ये इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं आप, फिर दूसरे कहते जी दुआ करें अल्लाह मियां से कि आइंदा ऐसे तूफान ना आए। ऑफकोर्स दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन क्या इसमें जो दवा है वो तो इंसानों ने करनी है ना। एक बात जो हमें बार बार बताई जा रही है आफिया, वो ये है कि इस दफा बारिशें चूंकि 700% ज्यादा हुई हैं, इसलिए दुनिया में कोई बेहतरीन से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन भी होती तो वो नहीं रोक पाती इसके जो तमाम असरात को। इस बात में कहां तक जो है हकीकत है? देखिए, इस हकीकत को तो हम उस वक्त चेक कर सकेंगे जब हम को ये देखें कि अगर ये सब रुकावटें ना होती, अगर दरिया का जो पार्ट है उसमें कोई इंक्रोचमेंट ना होती, तो क्या ये पानी जो उसकी गुजरगाह है उससे वो
बह जाता निकल जाता बगैर नुकसान पहुंचाए, क्योंकि देखिए हमें कब तकलीफ होती है उसकी, जब हमें नुकसान पहुंचता है और नुकसान हम अपने आप को खुद पहुंचा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ बाकायदा साइंटिफिक मॉडलिंग होनी चाहिए और जिसमें ये इस देखा जाए कि अगर इस दरिया के जो उसकी जितनी भी विड्थ है उसमें पानी को गुजरने दिया जाता बगैर रुकावट के, तो क्या ये इतना कितना डैमेज होता, क्या ये दरिया बगैर नुकसान पहुंचाए सीधा जो इसका रास्ता है उस पर चला जाता। क्योंकि अब तक दरिया ने अपने बैंक्स को वो ब्रीच नहीं किया है, वो अपने उसी रिवर का जो एक कोर्स है उसी में रहा है। ये भी तो देखिए ना आप, या तो हो ना कि जैसे दरिया फैल गया हो कहीं, जो आपको सिंध में या बलूचिस्तान में आपको तबाही नजर आ रही है वो उसमें बारिश की वजह से पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, अदर देन द प्लेसेस इन बलूचिस्तान जहां पे वो आपके हिल टॉरेंट्स आए हैं। लेकिन ये इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि उसकी, चूंकि हमारे यहाँ ना निकासी का कोई निजाम है, अगर होता भी है तो उसके ऊपर भी हम इंक्रोच करते हैं, तो अपने ही बनाई हुई चीजों के ऊपर भी हम जो है वो रुकावटें खड़ी कर देते हैं। तो ये तो कुदरत के साथ हम जंग कर रहे हैं और कुदरत की, जैसे मलिक साहब ने कहा, जंग कुदरत ही जीतती है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इंसान उस जंग को जीत सका हो। और तो ये चीजें सोचने समझने की है, इसको एनालाइज करने की है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी भी एक हकीकत है। ये दुनिया हमें, जो दुनिया के थिंक टैंक्स हैं वो हमें पिछले डेढ़ दो दिहाई से बता रहे हैं कि आप जी टॉप 10 वल्नरेबल मुल्कों में से हैं। तो उसके बावजूद अगर हम इस तरह की तगोदो में लगे रहेंगे कि चलो कुछ यहाँ से नेचर से छीन लें, कुछ यहाँ पे अपना तारे कार बढ़ा लें, तो हमें प्लानिंग तो किसी और चीज़। ये मलिक साहब से पूछते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने बड़े करीब से मामलात को देखा, आई नो उनकी बड़ी पर्सनल कमिटमेंट थी इन तमाम इश्यूज के साथ, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितना के बजट हम हासिल कर लेते हैं, कितनी हमारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप की इसके ऊपर तवज्जो होती है। मेरा तो ख्याल है कि हमारी सारी जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके लीडर्स को दो बातों के ऊपर बार बार मैसेज जो अपना हैमर करना है, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल, दूसरा ये एनवायरमेंटल सिक्योरिटी जो आगे इसके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही, ये सबका मेन मोटो होना चाहिए। मुल्क बचेगा तो भाई कोई किसी पे आप गवर्न करेंगे। लेकिन मलिक साहब इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये कि जैसे साइंटिफिक मॉडलिंग की बात कर रही हैं आप, ये तो हो गया जी प्रेम्प्टिवली आप पहले असेस कर लें फॉर्चून फोरकास्ट कर लें उसकी रिस्क की, और दूसरा एक प्रिपेयर्डनेस कि एक दफा आपने रिस्क के बारे में पता कर लिया और उसके बाद आपने तैयारी कर ली। इस साल एनडीए में बता रहा था, बार बार ये थ्रेट्स दे रहा था, अलर्ट्स दे रहा था कि भाई ऐसा होने जा रहा है, आपको कहीं लगा कि कोई प्रिपेयर्डनेस उस नौयत की थी जिस तरह की होनी चाहिए थी? देखिये बारिया, इसमें बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस जो थी वो उस नौयत की नहीं थी। फोरकास्टिंग बिल्कुल दुरुस्त थी। इस साल पीएमडी ने, जो मेट डिपार्टमेंट है, कुछ हफ्ते बल्कि महीनों पहले ये बता दिया था कि हमारे पास वेरी हायर देन नॉर्मल जो है वो मॉनसून भी आ रहे हैं और जो ग्लेशियर मेल्ट है उसका भी बता दिया था, जो हीट वेव्स आई थी इस साल उसका भी बता दिया था। लेकिन वो जो हमारी सीरियसनेस है गवर्नेंस की वो बिल्कुल मिसिंग थी। तो मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट क्राइसिस तो ये है बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास हीट वेव आई, दुनिया में सबसे जो गर्म जगह थी वो पाकिस्तान में थी यहाँ पे मई के महीने में, उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स हुई जो कि हीट वेव के साथ लिंक थी, और फिर उसके साथ ही ग्लेशियल मेल्ट यहाँ पे बहुत जगह पे हुआ, और फिर ये फ्लड्स आए हैं। ये एक पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि क्लाइमेट ट्रिगर थी, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन हमें थी और इसकी प्रिपेयर्डनेस जो थी वो बिल्कुल मिसिंग थी यहाँ पे। उस सिलसिले में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कल रात से यहाँ पर अटक जो कि मेरा अपना जिला है वहां पर बड़ा हाई फ्लड की फोरकास्टिंग थी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की उन्होंने दो बड़े सिंपल से स्टेप लिए। एक तो उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम दे दिया, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बता दिया ये पानी आ रहा है आप रस्ते से हट जाएं, और लोग हट गए रस्ते से, और दूसरा उन्होंने कोई इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स लगा दिए बड़े सिंपल स्टेप से, जिसमें उनको किससे पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी जो आफत की वजह से नुकसान हुए थे वो कम हो गए। अब हमारी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फैसला ये किया था कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, जिस तरह आफिया ने बताया, और ये पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी भी एक हकीकत है। इसका करना क्या है, उस सिलसिले में हमने एक बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर अपनी रिस्पांस स्ट्रेटेजी को बेस करना है, और हमने चार बड़े इनिशिएटिव उसमें हमने स्टार्ट किए थे। 10 बिलियन ट्री जो दरख्त है वो सिर्फ आपको साया और फल नहीं देते बल्कि वो आपके दिफा करते हैं नेचर का,
अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इसी तरह हमने प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाया, वो आपको एक शॉक अब्जॉर्बर देते हैं जब आप नेचर स्ट्राइक करते हैं। इसी तरह हमने एक रिचार्ज पाकिस्तान जो कि इस सूरत हाल में बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ताकि वो एक पूरा डिजाइन था कि जो जब आपके पास फ्लड्स आते हैं तो उस पानी को आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करें और उसको अपने नेचुरल वेटलैंड्स की तरफ डाइवर्ट करके उनको भी रिचार्ज करें। और इसी तरह हमने एक लिविंग रिवर इंडस स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट और उसकी रिपोर्ट बन चुकी है। लेकिन सर इशू ये है कि ये जो ये है ना मामलात, इसके ऊपर बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि हुकूमतें एक दूसरे से कमिटमेंट लें कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो अगला उसको वहां से आगे लेकर जाएगा, ये किसी एक हुकूमत क्लियर कट। बिल्कुल सर, और ये मुझे लगता है कि अगर ये इस पे हंगामी तौर पे काम ना किया तो पीपल्स पार्टी आ जाए, पीएमएलएन आ जाए, पीटीआई आ जाए, तो ये मुल्क जो है इसके ऊपर इसको चलाना आसान बिल्कुल नहीं होगा। आफिया मैं आपसे पूछना चाहिए तमाम पार्टीज का, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, पॉलिटिकल पार्टी का मसला, वो चार्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन पाकिस्तान, क्योंकि अगले आने वाले सालों में हम भाग नहीं सकेंगे इससे। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये आफिया जैसे पिछला जो फ्लड था इतना ज्यादा, वो 2010 में आया था, 2022 में आया है, तो अगले आने वाले चंद सालों में आपको क्या ख्याल है कि लोग ये भी तो कहते हैं ना ठीक है जी सैलाब आ गया, आप दोबारा देखेंगे जब आएगा, अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे, और मुझे बड़ी क्लैरिटी है कि भाई वो वहीं पर वैसे बिल्डिंग्स दोबारा खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमने इंशाल्लाह कुछ नहीं सीखना कभी भी किसी नेशनल कैलामिटी से। सो अगले आने वाले 3-4 सालों में क्या होगा, आप क्या प्रिडिक्ट कर रही हैं, क्या देख रही हैं? देखिए, एक तो ये बात ये है कि फ्लड नहीं आया है अभी तक। अच्छा, तो अगर आप 2010 के तनाजुर में बात कर रही हैं, ठीक है, 2010 का जो फ्लड था वो रिवर फ्लड था, ये रिवर फ्लड नहीं है, ये एक्सेसिव बारिश की वजह से जो आपके हिल टॉरेंट्स हैं वहां से पानी आया है। सही। अभी तो दरियाए सिंध के और उससे ट्रिब्यूटरीज में तो पानी तरबेला को आई थिंक उसका पुल हुए, स्पिलवे खुले तो अभी 3 दिन हुए, उसका पानी तो अभी ही शामिल ही नहीं हुआ है सारे मिक्स में, और अल्लाह खैर करे कि वो कितना आएगा और कहां से एडिशनल नुकसान पहुंचाएगा। मैंने इससे पहले जो बात की थी ना मॉडलिंग की जी, वो मैंने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए नहीं की थी। सही। मैंने एक बताने के एक मेरी एक अपने लिए एक मालूमात के लिए मैं समझ अगर कहें कि मैं ख्वाहिश ये रखती हूँ कि मुझे पता चले कि अगर मैं ये काम ना करती तो क्या मुझे नुकसान होता। तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो हॉटस्पॉट्स हैं आप उनसे दूर रहें। अच्छा, इसका एक जो शाखसाना होगा वो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन होगी, जिसको अभी कोई समझ ही नहीं रहा, कोई उसको किसी खातिर ही में नहीं रहा क्योंकि देखिए जब चीजें अगर सपोजिंग आप इस दफा आप कह रहे हैं कि क्या सीखेंगे, अगर हमने लेसन लर्न कर लिया और अगर हमने दरियाओं के पार्ट में अब वो अपने ना अपने खेती बाड़ी की, ना हमने रुकावटें, ना वहाँ होटल बनाए, ना कुछ, तो कहीं तो जाएंगे ना वो लोग जिनका रोजगार इससे वाबस्ता है, वो तो कौन सी जगह है, कहाँ जाएंगे? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपकी हैबिटेट लॉस है, सही, उसकी वजह से भी जो माइग्रेशन है उसमें भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, और उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था और मलिक साहब भी इससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि इन्हीं की हुकूमत की तरफ से जब वो एक असेसमेंट हुई थी तो क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे बाकायदा तस्लीम किया गया था। उसमें जो आपके ये सोशल अपहीवल होता है जिसमें लोग अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह जाते हैं, उसको भी जहन में रखें कि ये हमारे पहले ही बहुत ज्यादा, बिल्कुल इसके बारे में कोई नहीं सोचता, या बड़ा यूनिक इस पे पर्सपेक्टिव जो है आप हम मेरे देखने वालों के लिए छोड़े जा रही हैं। क्विकली आखिरी कमेंट मलिक साहब, मेन टेक अवेज क्या है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है तो भी पता चलेगा जब पानी उतरेगा, जो घर तबाह है एक रफ सा एस्टिमेट तो बता दिया है कि लाइफ स्टॉक कितना गया, लोग कितने जांबहक हुए, लेकिन यहां से आगे क्या, क्योंकि अगले अगर बार जब होगा तो मुझे लगता है ये रिपीटेड पैटर्न्स होंगे ना, इसमें से लर्निंग्स क्या है हमारे लिए? लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग तो ये है कि ये क्लाइमेट क्राइसिस तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा ये गवर्नेंस क्राइसिस है जो सामने आया है। गवर्नेंस सिस्टम्स हमारे फेल हुए हैं और उसमें जो बेसिक चीजें हैं जो कि होनी चाहिए सिंपल, वो नहीं हो सकी रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी के अंदर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।